तो दोस्तों आज का जो नॉलेज मिलेगा बहुत ही अच्छा नॉलेज है। जैसे कि 14 कॉलर है तो हालर कितना काटे, 18 कॉलर है तो हालर कितना काटे, अगर 12 कॉलर है तो हालर कितना काटे, ये हर किसी का प्रॉब्लम होता है। तो क्यों ना सोचे कि इस प्रॉब्लम को मैं दूर कर दूँ बहुत ही आसानी से। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है रेड बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है RS Fashion 786 या RS Fashion Designer बुटीक भी सर्च मारेंगे तो मेरा आ जाएगा, उस पर मेरा पिक लगा हुआ है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ, बारीकी से आप इसे देखिए और समझिए। तो मैं थोड़ा कैमरा को जूम कर ले रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख पाए। ये देखिए, जैसे कि मेरा ये 16 कॉलर हो गया, ये 16 कॉलर हो गया, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि सिंपल सी बात है, ये जो निशान है इसे हम भाग बोलते हैं, इस निशान को हम भाग बोलते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चेस्ट के हिसाब से अगर कॉलर नापना भी छोड़ चुके हैं, छूट गया है, तो कैसे मालूम चले कि इसमें हम कितना कॉलर लगाएं और कफ कितना लगाएं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही आसानी से मैं बताऊंगा। तो अगर आप कॉलर नापे हैं उसके लिए बता रहे हैं, जैसे कि ये 16 है मेरा कॉलर मापा हुआ है, तो हॉलर कितना काटेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें करना क्या है कि इसमें हम 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग कैसे देंगे ये बता दे रहे हैं। तो देखिए करना क्या है कि 5 का पढ़ा पढ़ने लगेंगे, 16 से कम आना चाहिए, 5 का 5 5 2 10 पंतियाई 15, ठीक है। पंतियाई 15 आ रहा है यानी कि 1 इंच कम आ रहा है, तो उसमें हम फिर तिहाई भाग लगाएंगे तो लगभग मेरा 2 सूत से हल्का ज्यादा आएगा, नहीं। तो यहाँ सिंपल से मालूम चल रहा है कि 3.25 यानी कि 3 इंच 1 सूत, 3 इंच 2 सूत काटेंगे तो मेरा चौड़ाई जो काटेंगे बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 3 इंच 1 सूत या 2 सूत भी काट सकते हैं। उसके बाद जो है ये तो हो गया चौड़ाई में, जैसे कि मैं ड्राइंग बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया मेरा, ये पल्ला हो गया, ठीक है, इधर से बॉक्स पट्टी छूटता है, और ये जो हो गया मेरा ये 2 इंची का शोल्डर डाउन हो गया, ठीक है। तो करना क्या है कि यहां से ये जो हम लंबाई लेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये लेंगे 2.5 यानी कि 2.5 इंची, ठीक है। इधर से हम जो लेंगे वो 2.5 लेंगे, इधर से हम जो लेंगे, इधर से, ठीक है, इधर से वो कितना लेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये जो लेंगे इधर से जो हम लोग जो लेंगे वो लेंगे 3.1 सूत, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि इस तरीके से इसको हम राउंड लगा देंगे मार्का, इधर जितना आएगा, ठीक है, इधर जितना आएगा उसे 1/2 इंच ये नीचा में कम लगाएंगे, ठीक है, ये नीचे की तरफ डाउन जो करेंगे वो 1/2 इंच कम करेंगे जितना इससे करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा लगभग में। तो ये देखे 2.5 से ज्यादा भी ज्यादा डाउन नहीं करे, इसको ज्यादा डाउन ना करे 2.5 से नीचा। अगर छोटा बच्चा का है जैसे कि 30 से कमर कम आ रहा है तो उसका 2 इंच ही ये खाल करे, ठीक है, ये जितना आएगा उसके अनुसार ही खाल करे। तो ये देखिए इधर से 2.5 रखना है तो इधर से 2 रखना है, तो ये आप समझ गए सपोजेट, और ये जितना होता है उतना ये डाउन होता है, ये नीचा डाउन होता है जितना शोल्डर ये हम मार्का लगाए हुए हैं। तो आपको तो इतना मालूम चल गया कि 3.1 सूत में हमको 2.5 ये मेरा हालर हो गया, ठीक है। अब सपोज डेट मान लेते हैं कि 14 कॉलर है, ये देखिए 14 कॉलर है, ये देखिए 14 कॉलर है, तो इसमें करना क्या है, इसमें भी भाग दे देंगे हम 5 से, तो 5 का 5 5 10 15, इससे क्या हो रहा है कि इसमें जो है 3 इंच से 1 सूत कम आएगा यानी कि 2 पॉइंट लगभग 75 के आसपास आएगा, ठीक है, यानी कि 2.75 आएगा। तो 2.75 आएगा तो उसमें करना क्या है कि 1/2 इंच कम नीचे से लगाना है, तो इसमें कितना डाउन लगेगा,
सवा दो इंची, ठीक है, इसमें कितना कम लगेगा, सवा दो इंची, सवा दो, ठीक, सिंपल सी बात है। ये जो हम डाउन करेंगे इधर से सवा दो इंच करेंगे, ये जो करेंगे ये पौने तीन इंची करेंगे, ये आपको सपोजिट मालूम चल गया होगा। अब देखते हैं कि चेस्ट के हिसाब से अगर कॉलर का मेजरमेंट हम भूल चुके हैं, छूट चुका है, तो किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो सपोज डेट मान लीजिए कि मेरा चेस्ट 36 है, ठीक है, ये सीना जो है मेरा 36 है, तो इसका कॉलर क्या आएगा, इसका कॉलर क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम भाग दे देंगे कितना से, 12 से, इसमें भाग हम 12 से देते हैं, ठीक है, चेस्ट में अगर कॉलर छूट जाए तो 12 से भाग देंगे, तो 12 का 12 बार 24 बढ़ती आई 36, ठीक है, बढ़ती है 36 हुआ, यानी कि जो हमको इस तरीके से लगाना है, ये वाला जो मार्क लगाना है, ये वाला ये तीन लगाना है, इधर से अढ़ाई लगाना है, ठीक है, तो इसमें कितना मेरा कॉलर आ रहा है, ये जो हम हिसाब बैठाए हैं, 5 से भाग दिए हैं, जो 5 से हम भाग दिए हैं, कितना में दिए, 16 वाला में दिए, तो सिंपल सी बात है कि मेरा 16 वाला में यानी कि 15 इंच मेरा आ जाएगा इसमें, तो इसमें हम भाग दिए, ये देखिए 3 आया। अब 3 से हम इसमें 5 से भाग दिए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो मेरा 15 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। देखिए जैसे कि हम करते क्या है कि कॉलर जब होता है, आपको हल्का और जूम करके एक बार समझा दूंगा, एक ही समझाऊंगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए, जैसे कि 36 मेरा ये सीना हो गया, ये 36 सीना हो गया, तो इसमें हम भाग देंगे 12 से। ये फॉर्मूला हम इसलिए पहले समझाए हैं कि 5 से जैसे कॉलर में हम कॉलर नाप लेते हैं तो 5 से भाग देते हैं, इसको 5 से भाग देते हैं तो ये मेरा हालर निकल जाता है, ठीक है। अब यही जब मेरा सीना छूट जाता है, सीना के हिसाब से हम कॉलर रखते हैं, तो ये देखिए हम भाग देंगे तो बढ़ती आई 36 यानी कि 3 आया, 3 इंच मेरा आया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो 5 से भाग देते हैं, वही 5 से हम गुना दे देंगे, तो मेरा 15 कॉलर आ गया, ठीक है। अब सपोज डेट कर लेते हैं कि मेरा 34 सीना हो, 34 भागा 12 बराबर कितना आएगा, 12 का 12 24 बढ़ती आई 36 आ रहा है। तो इसमें आप मोबाइल से भी भाग लगा सकते हैं, जैसे कि 34 लिख देंगे भागा 12 लिख देंगे, मालूम चल जाएगा कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है इसमें आपको ऐसे भाग दे के बता दे रहे हैं, देखिए ये 34 भागा 12, ठीक है, 12 का 12 12 दूना 24, तो यहाँ 24 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है, तो ये कट गया, यहाँ से मेरा 1 बचा, ठीक है, 1 बचा, तो इसमें क्या करते हैं, दशमलव लेते हैं, दशमलव के बदले यहाँ पे क्या होता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ मुझे 12 का 12 12 24 बढ़ती है 36, देखिए इतना माथा पेची हम नहीं करेंगे, जैसे कि हाथ में ही हम इशारा से देख लेंगे, जैसे कि 12 का 12 12 24 बढ़ती आई 36 आ रहा है, ठीक है। तो 36 के हिसाब है मेरा यहाँ पे 34 है, तो करना क्या है, उसमें से 2 सूत कम कर देंगे, 2 सूत कम कर देंगे, तो मेरा 2.5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 का यहाँ से जो चौलाई लगाएंगे ये 2.5 लगाएंगे, ठीक है, और इधर से जो लगाएंगे हम ये वाला जो लगाएंगे ये 2.25 लगाएंगे इधर से, इस तरीके से देखिए इसको डाउन कर देंगे कॉलर को। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है अगर कॉलर छूट जाए मेजरमेंट तो किस तरीके से मार्का लगाएंगे, और कॉलर माप लिए हैं तो कैसे हम हालर को कट करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, और समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप कमेंट करें कि इसका शॉर्ट जब कटिंग करेंगे तो इसका फॉर्मूला हम आपको बता देंगे। आई होप इतना से आप समझ गए होंगे, आप जो है बहुत ही इन्फॉर्मेशन लेने में आप माहिर हैं,
और मेरा वीडियो आई होप मैं समझा पाता हूँ आप सभी को, आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें।